हेलो स्टूडेंट्स, मैं असल विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? ये जितने भी हमारे इंड ऑर्गन होते हैं, फिर ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए वह जो भी पोषक पदार्थ फूड के रूप में लिया जाता है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जितने भी ऑर्गन होते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए जो भी फूड मटेरियल ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट फूड्स लाइक प्रोटीन, विटामिन, ये सब लेते हैं जो कि इन ऑर्गन को या फिर ऑर्गन को डेवलप करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज अ डिफाइन एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन विद द हेल्थ, जो कि डायरेक्ट रिलेशन रहता है हमारे हेल्थ से, है ना। न्यूट्रिशन आर स्पेसिफिक डाइटरीज सच एस प्रोटीन होता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकते हैं। फूड मस्ट बी कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द हेल्थ, मतलब हमारे हेल्थ को सुचारू रूप से बनाने के लिए, सुचारू रूप से स्वस्थ रखने के लिए जो हमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे लाइक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, उसी को ही हम न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद लिखेंगे हम फंक्शन, फंक्शंस ऑफ फूड, कौन कौन सा फंक्शन है फूड का। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन है फूड का, ये सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले तो हमें यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सबसे पहले। उसके बाद ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी मेंटेन है, जो ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, रिपेयर करता है, या कहीं पे लग गया, चोट हो गया तो उसको रिपेयर करता है ना। और रिप्रोडक्शन का भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ये किसके, फूड के फंक्शन है। और जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, है ना, उसके फंक्शन को यह मेंटेन करता है, टिश्यू फंक्शन को, है ना, टिश्यू फंक्शन को मेंटेन करता है और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में जो रेजिस्टेंस पावर होती है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता, उसको यह बढ़ाने का काम करता है। जितने भी बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में अगर इंटर कर जाते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, है ना, वायरस, फंगी, प्रोटोजोवा, तो उनसे क्या करते हैं, हमारे रेजिस्टेंस पावर को बिल्डअप करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिसीज। ठीक है, उसके बाद सेटिस्फाई द एप्टीट्यूड, मतलब हमें जो भूख लगती है उसको भी वह सेटिस्फैक्ट्री प्रोवाइड करता है ना, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। ठीक है, तो ये हो गया उसके फंक्शन, इसके फंक्शन फूड के। अब हम पढ़ते हैं फूड का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड का क्लासिफिकेशन, सबसे पहला अकॉर्डिंग टू सोर्स, मतलब हमें कहां से प्राप्त होता है यह फूड। सोर्स कैसे, दो टाइप के होते हैं, इसमें लिखेंगे ए वेजिटेबल और बी एनिमल फूड। ठीक है, एनिमल फूड, और जो वेजिटेबल फूड्स रहेंगे वो इसका एग्जांपल है राइस, है ना, चावल, वीट,
गेहूं, मतलब जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है सोर्स के हिसाब से, मतलब उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है फूड का, खाने का, पहला वेजिटेबल से, दूसरा एनिमल से, है ना। तो वेजिटेबल में क्या कहेंगे, राइस, व्हीट और बहुत सारे भी आते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं। एनिमल में क्या क्या आता है, जैसे मीट, एग और फिश, ये सब एनिमल से के सोर्स हैं, ठीक है। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, मतलब फंक्शन कार्य के आधार पे जो फूड का क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है फूड का, बिल्ड करना, अभी मैं बताया था आपको, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारे बॉडी को मजबूत करता है ना। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिल्क, ये मिल्क जो है वो एनिमल से आएगा, है ना, फिश, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। दूसरा, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी के लिए फूड खाते हैं, है ना, एनर्जी एल्ड मतलब एनर्जी के लिए फूड खाते हैं। जस्ट लाइक शुगर, शुगर हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट्स जस्ट लाइक राइस, है ना, इन सब से शुगर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और तीसरा है प्रोटेक्टिव एजेंट्स, प्रोटेक्टिव फूड्स जस्ट लाइक वेजिटेबल, है ना, हरी साग सब्जियां और फ्रूट्स, फ्रूट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, फंक्शन के आधार पे जो फूड को तीन टाइप से डिवाइड किया गया है, बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारे बॉडी को बिल्ड करके रखता है, मिल्क, फिश, एनर्जी एल्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, और प्रोटेक्टिव एजेंट्स के रूप में जस्ट लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और तीसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, है ना। जो भी फूड होता है उसका अगर हम केमिकली स्ट्रक्चर देखें तो किस टाइप का होता है, तो उसको भी डिवाइड किया गया है। पहला प्रोटीन्स, दूसरा फैट्स, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर विटामिन्स, चौथा कार्बोहाइड्रेट्स, पांचवा मिनरल्स। ठीक है, तो यह तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है फूड का। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सोर्स, उत्पत्ति के आधार पे कैसे उत्पत्ति हुआ खाने पीने के सामान का, तो एक एक हमें वेजिटेबल्स मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, एक एनिमल से प्राप्त होता है, एनिमल में मिल्क भी आएगा ना, क्योंकि मिल्क जो है वो एनिमल से प्राप्त होता है। तो वेजिटेबल, राइस, चावल और गेहूं, व्हीट, एनिमल से फूड, मीट, एग, फिश और मिल्क, ठीक है, यस, उत्पत्ति के आधार पे। कार्य के आधार पे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी को बिल्ड करता है कौन, मिल्क और फिश, एनर्जी प्रोवाइड करता है शुगर जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटेक्टिव एजेंट जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मतलब जितने भी साग सब्जियां हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब फल, फल हमारे प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर मतलब उनका केमिकल नेचर किस टाइप का है, तो प्रोटीन उसका स्ट्रक्चर अलग है, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं होता है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इज शुगर,
सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स? शुगर, दूसरा स्टार्च, तीसरा सेल्यूलोस। ओके, कार्बोहाइड्रेट ये जितने भी सोर्स है, शुगर जैसे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हुआ जस्ट लाइक राइस चावल से, स्टार्च रेशेदार सब्जियां, सेल्यूलोस वेजिटेबल्स, है ना, इन सब से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक, फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या क्या है? दे आर मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइट, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है डाइट, डाइट के रूप में। ठीक है, दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, और ये ऑक्सीडेशन करता है फैट्स का, फैट्स का क्या करता है ऑक्सीडेशन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में होता है, जो जिससे प्रोटीन बनता है, उसको भी सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लिए, तीन प्रकार के सोर्स है, शुगर स्टार्च और सेल्यूलोस। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुगर, शुगर हमें किस किस अवस्था में और किसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। पहला शुगर, शुगर ये जो शुगर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट, एकदम सिंपल, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, है ना। पहला कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है सिंपल शुगर होता है ना, एक शुगर कंटेन करके रखता है। दूसरा ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स मतलब इसमें ये 2 से 10 तक सेकेराइड्स पाए जाते हैं। सेकेराइड्स, सेकेराइड्स वह होता है, या एक ग्रीक वर्ड होता है सेकेराइड्स, जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो इसमें जो सेकेराइड्स की मात्रा होती है वो एक यूनिट होती है, समझ जाइए, इसमें 2 से 10 यूनिट होती है। और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स मतलब इसमें जो शुगर का जो सेकेराइड्स का जो फंक्शन होता है, जो उसका जो स्ट्रक्चर में जो भी सेकेराइड्स जो इन्वॉल्व होता है वह 10 से अधिक होता है, 10 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आते हैं हम शुगर, जो सोर्स के आधार पे शुगर, शुगर ठीक है। तो पहला है ग्लूकोज, सबसे पहले हम ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, सभी जानते हैं ग्लूकोज डेली बेसिस पे यूज किया जाता है। ये जो है मोनोसैकेराइड्स होता है, अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में, और ये जो है चीफ सोर्स होता है, सबसे सर्वाधिक सोर्स होता है शुगर का। दूसरा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज ये जो है जो स्वीटनिंग एजेंट के रूप में जो यूज किया जाता है इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड, ये यही फ्रक्टोज को यूज किया जाता है। मतलब स्वीटनिंग एजेंट मतलब जैसे सिरप हो गया, सिरप में जो मीठेपन लाने के लिए जो डाला जाता है उसको फ्रक्टोज को ही यूज किया जाता है। ये फ्रूट जूस हो सकता है या फिर हनी हो सकता है। तीसरा सेक्रोज, सेक्रोज सेक्रोज क्या होता है, ये
ओलिगो या फिर डाइसेक्राइड्स होता है, डाइसेक्राइड्स या फिर ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, अभी मैं बताऊं सेक्राइड्स के बारे में। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स होता है ना। चौथा, लेक्टोस। नाम से पता चल रहा है कि ये जो शुगर की मात्रा है वह मिल्क में पाया जाएगा। ठीक है, पांचवा मल्टोस। मल्टोस इट इज द मेड अप टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मतलब जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे ग्लूकोज है सिंपल ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो दो ग्लूकोज मिलेगा तो एक मल्टोज बनेगा। ठीक है, एंड इट इज द फॉर्म ऑफ द स्टार्च ड्यूरिंग द जर्मिनेशन द बेयरिंग ऑफ द वीट्स, और यह जो स्टार्च के फॉर्म के रूप में भी रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा स्टार्च। जितने भी फंक्शन दिए हैं है ना,